तो किसान तो हमने हुआ, वो तो पकौड़ी सान रहा है, पैसा ले रहा है, पकौड़ी सान रहा है। तो पकौड़ी तो पीएम मोदी कहते हैं कि पकौड़ी भी रोजगार है। पकौड़ी भी रोजगार है, हाँ हाँ पकौड़ी भी रोजगार है। ये विकास के नाम पर हम वोट देंगे और कुछ नहीं, हमको बड़ी गरीबी है, हमको कुछ मिला नहीं है। देश तो सुधरने में भाई 5 साल और लगे दी, 10 साल और लगे दी। यह व्यक्ति केवल अपने और अपने रिश्तेदारों की भलाई के लिए इधर उधर जा रहा है। नमस्कार, मैं उपनीत और आप देख रहे हैं अनकट। अनकट की ये जो चुनावी यात्रा है वो इस समय पहुंच चुकी है गाजीपुर में। गाजीपुर के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि उनके लिए क्या है मुद्दा, चुनावी मुद्दा क्या है। हमारे साथ है भाई साहब, आपका नाम क्या है? हमारा नाम अमन कुमार है। अमन कुमार जी का, मैं जमानिया विधानसभा से आता हूँ। अच्छा, क्या लगता है माहौल, क्या है? माहौल है भाजपा की फिर से सरकार बने, विकास के नाम पर फिर बनेगी सरकार। अच्छा, और मुद्दा क्या क्या है चुनाव में वोट देते वक्त? मुद्दा यही है कि यहाँ पर रोड, पानी, बिजली, अच्छा इंस्टॉलेटर, आवास मिली है जमानिया में। अच्छा। गरीबों मजरूमों हर व्यक्ति तो अनाज पानी हर चीज मिल रही है। हाँ। तो इसलिए जनता चुनने के लिए फिर तैयार है। अच्छा, एक बार फिर मोदी जी तो लाना है। अच्छा, मोदी जी को लाना है। हाँ, योगी और मोदी दोनों तैयार। लूटने वाला बहुत आए, बहुत गए। इतना देर क्या कर रहे तुम लोग? कुछ किए? कुछ नहीं किया। 30 साल में क्या हुआ? 30 साल में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम लोग जमानिया से यहाँ तारी धाते और जमानिया ते रोड। अच्छा, आप देखिए रोडे सब जय होंगे कि कितनी डड्ढा थी। आज जाइए हर रोड देखिए, यहाँ 12 भी देखिए रोड, या यहाँ देखिए, या सैदपुर देखिए, कहाँ भी देखिए रोड, हर कहीं जाल फैली हुई है। यह विकास के नाम पर हम वोट देंगे और कुछ नहीं। आप भी आई हैं, आप बोल नहीं रही हैं, बताइए आप कहाँ से आई हैं? हम शेरपुर। शेरपुर, क्या लग रहा है माहौल किसका इस बार? बड़ी गरीबी है, हमको कुछ मिला नहीं है। नहीं मिला? नहीं। क्यों? तो बात की आप? बात क्या? क्या शासन देता नहीं है, क्या करूँगा? आप रैली में आई है? हाँ हाँ, आएंगे वही से भाषण। शिकायत भी आप कह रही हैं? शिकायत करेंगे, हमको कुछ नहीं दिया है। गली में है तो गली पर रहा है, क्यों बनाता नहीं है? प्रधान जी की गलती होती, प्रधान लोग नहीं चाहते हैं, नहीं देते हैं। बाकी तो हमारे लखनिया विधानसभा में इस समय गंगा की लहर बह रही है, भगवा का लहर है। राशन मिला कि नहीं मिला? मिला है। मिला, क्या क्या मिला राशन? राशन में रिफाइन मिला है, चना मिला है, चावल मिला है, गेहूं मिला है। अच्छा। तो आप जब वोट देंगी, जब बटन दबाएंगी किसी पे भी, जिस पे भी मन करेगा, तो मुद्दा क्या रहेगा, क्या सोच के दबाएंगी? कि बटन दबाने जब जा रही है चुनाव वाले दिन, तो क्या सोचेंगी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है? कुछ तो सोचेंगी ना, क्या मोदी का सोचेंगे? अच्छा, हाँ तो क्या लग रहा है माहौल, क्या है? हाँ, एक नंबर का है, एक नंबर का। हाँ। अच्छा, कई लोग बैठे हैं यहाँ पे, राजभर के बारे में जरा बताइए ना, क्या है राजभर? राजभर तो कोई नहीं है, जिनके राजभर सब भाजपे पा रहे हैं। अच्छा, हाँ राजभर सब भाजपे पा रहे हैं, वो उनके जोहराबाद में जो लड़ रहे हैं राजभर, उमपटा से राजभर, वो भी सीट फंस रही है। जोहराबाद वाले, जोहराबाद वाले फंस रहे हैं। अच्छा, उमपटा चचा वहाँ भी फंस रहे हैं, उनके बिरादे नहीं दे रही है। उमपटा भी जमानिया से है, उमपटा सीन ठीक है, उमपटा से राजभर। अच्छा, दोनों जो हाँ दोनों चचा फंस रहे हैं। ओम प्रकाश राय, कहाँ से है? शेरपुर, गाजीपुर से। शेरपुर, क्या लग रहा है माहौल, क्या है? माहौल बहुत बढ़िया है। माहौल बढ़िया है। अच्छा, मुद्दा क्या क्या बनेगा इस बार चुनाव का? चुनाव का मुद्दा गरीबों को, इस सरकार ने जो राहत दिया है कोविड काल में, अगर यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही होती तो गरीब खाने पीने मर गए होते। अच्छा, और वैक्सीन का प्रयोग करके, विधिवत प्रयोग करके और जनता को बचाने का काम किया है, गरीबों को आवास, पेंशन, बिजली अच्छी मिल रही है। अच्छा, और अपराध पर नियंत्रण किया है। अच्छा अच्छा, राजभर के आने से फायदा होगा अखिलेश को? राजभर को जो समझदार लोग हैं, राजभर जो समझदार हैं, वो जानते हैं कि यह व्यक्ति केवल अपने और अपने रिश्तेदारों
ये भलाई के लिए इधर उधर जा रहा है। अच्छा, टिकट लेने के लिए इधर उधर जा करके पूरा परिवार विधायक और सांसद हो जाए। अच्छा, इस सोच के तहत वह इधर से उधर जा रहा है। हाँ, लेकिन वह चुनाव बुरी तरह से उसके सारे प्रत्याशी हार गए। एक, एक, एक बात हो रही है ना, तो एक बात उठती है, विपक्ष जो है ना, हाँ, विपक्ष जो, हाँ, विपक्ष आरोप लगाता है, हाँ, योगी जी पर कि जो सीएम है ना, हाँ, वो एक जाति विशेष के लिए काम कर रहे हैं। सहमत हैं? ऐसा कुछ नहीं, सहमत है इससे? सहमत क्या बताया जाए, नहीं नहीं मतलब विपक्ष आरोप, हम तो पूछ, कोई नहीं, कोई कोई नहीं, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक संत है और उनका हृदय जनता के लिए काफी द्रवित है। अच्छा, वह अपने परिवार के लिए भी नहीं कुछ करते हैं, वो पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं। अच्छा, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके अंदर किसी प्रकार से जात विशेष की बात। अच्छा, मायावती नहीं दिख रही है इस बार यूपी चुनाव में? मायावती दिख रही है, है? क्यों नहीं दिख रही है? है जितना दिखना चाहिए था। हाँ, तो क्या वो मतलब रेस से बाहर चल रही है? रेस से बाहर कहाँ है, वो हमारे गाजीपुर में उनके जितने भी प्रत्याशी हैं, हाँ, वो लड़ाई में है। अच्छा, नहीं हम कई जगह गए, जैसे कई लोगों ने ये बात पूछा, तो मैंने इसीलिए पूछा कि भैया बताइए। हम लोग तो देख रहे हैं। अच्छा, वो उनके प्रत्याशी लड़ाई में है, जमनिया में लड़ाई, जमनिया में पूरा बात में, जमनिया में प्रवेश स्थान है जो जो लड़ाई में है। अच्छा, हाँ, तो आप कह रहे हैं कि जमनिया में लड़ाई नहीं, भाजपा, हाँ, भाजपा और बसपा में है, सपा नहीं है, सपा बाहर हो रही है। नाम क्या होगा आपका? राम उलत पाल। अच्छा, बताइए मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि नारी सुरक्षा, सर आवागमन, बिजली व्यवस्था और ये राशन वितरण ये सारी व्यवस्थाएं उनके ढंग से चल रही है, ढंग से चल रही है, जिससे किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और नारियां जो है रात को भ्रमण करने भोर में निकलती हैं, उनके पास कोई छेड़छाड़ करने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म हुई, मतलब आप कह रहे कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है? मजबूत हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है। अच्छा, हाँ, और क्या क्या मुद्दा है? स्थानीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दे तो हमारे समझ से कुछ नहीं है। अच्छा, यही है कि इर्द गिर्द पानी का अभाव है थोड़ा, कहीं कहीं गांव में कहीं कहीं अभाव है, और उसको पूरा करने का संकल्प इन्होंने ले लिया है पासी जी ने। हर आदमी जान रहे थे आज 3 बजे यहाँ तैतरम बैठे थी। हाँ, ये सरसों और सोती तटिया पिटिया चल रही है, तो हर आदमी अपनी ताम धंधा चलते, हाँ, ताम चलते आएंगे। हाँ, हम लोग भी किसान के बेटे हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, किसानों को बात हो रही है तो कई लोग कहते हैं, हाँ, नहीं नहीं बताइए ना, जो भी वहाँ किसान थे, वह किसान नहीं थे, वह व्यापारी थे। हाँ, किसान नहीं थे, वो व्यापारी थे। अच्छा, हाँ, किसान तो हम लोग हैं। अच्छा, वो किसान नहीं है। हाँ, वो किसान कहाँ है, जिससे 200 बीघा है वहाँ बनिहारी ताम तरे, वो किसान कहाँ हुआ? वो व्यापार न हुआ, रोडपति न हुआ? किसान अच्छा, तो हम लोग है ना, जिसके खेत ले रहे हैं उसके हम चढ़ रहे हैं, तो किसान तो हम न हुआ, वो तो पकौड़ी सान रहा है, पैसा ले रहा है, पकौड़ी सान रहा है। पकौड़ी तो पीएम मोदी कहते हैं कि पकौड़ी भी रोजगार है। पकौड़ी भी रोजगार है, हाँ, हाँ, पकौड़ी भी रोजगार है। अच्छा, या अच्छा अच्छा याद आया, आप लोग एक बताइए, जो रोजगार पे लाठी आठी बच्चों पे पड़ी है, ये मुद्दा नहीं है? मुद्दा तो है, मुद्दा तो है, पेपर आउट हो जाती है, हम जानते हैं, हर सरकार में होती है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नहीं होती है। अब वही देश तो सुधरने में अभी 5 साल और लगे दी, 10 साल और लगे दी, तब ये सुधरेगी। अब वही चमचा वही है डलार। अच्छा, विपक्षे वाले हैं, जो भी तरवार है विपक्ष वाला तरवार। और हमको तो सबसे बड़ी सुविधा लग रही है कि बिजली व्यवस्था इतना टाइट इस शासन काल में हुआ है कि जो बिजली हम लोगों को 3 घंटा मिलती थी, वो कट करके आती थी, जाती थी, आती थी, जाती थी, खेत में पानी पहुंच नहीं पाता था। अब व्यवस्था है 20 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है। कितने घंटे? 20 घंटे बिजली, जी हाँ, और 24 घंटे शहरी क्षेत्र में मिलती है। महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, महिला 10 बजे रात को, 11 बजे रात कर। आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हाथरस वाला मसला हुआ था ना, और छोटी मोटी घटना हर जगह होती रहती है। मतलब आप बात कर रहे हैं तो हम तो सवाल पूछेंगे ना, विपक्ष ये पूछता है, हम तो पूछेंगे बताइए क्या हुआ क्या, तो आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं।
तो सुरक्षा तो बहुत अच्छी है। इसमें महिलाएं 10 बजे रात को निकलती हैं, 12 बजे जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, कोई परेशानी नहीं है, आराम से आती हैं जाती हैं। अच्छा। जी कानून व्यवस्था आप कह रहे हैं, कहाँ दुरुस्त है? कितना नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 9 नंबर तो जोगी जी को मिलना ही मिलना है। 9 नंबर तो एक नंबर का है काट में, एक नंबर थोड़ा होता है इधर उधर कुछ, तो कोई तो कमी होगी जो बोल रहे हैं आप। हल्का फुल्की कमी हो जाती, जानते फोर्स के अंदर होती है। अच्छा हाँ। युवा तो कह रहे हैं कि हम रोजगार के चक्कर में परेशान है, इसलिए हम रोजगार रोजगार भी मिल रहा है, नौकरी भी मिल रही है, जो मिल रहा है जी, जो पढ़ रहा है उसको नौकरी मिल रहा है।